दोस्तों YouTube ने शॉर्ट्स वीडियो में मोनेटाइजेशन इनेबल की एक तारीख रखा था जो कि 1 फरवरी का था, लेकिन 1 फरवरी में स्टार्ट नहीं हुआ। आज 3 फरवरी है, 3 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम आपको दिखाएंगे ये जो शॉर्ट्स है ये इसके मोनेटाइजेशन इनेबल कैसे किया जाता है। तो मैंने YT स्टूडियो को ओपन कर रहा हूँ और ये मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर हमारा मोनेटाइजेशन इनेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं जब भी हम कंटेंट के ऊपर में क्लिक करेंगे नीचे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यानी यहाँ पर ऊपर में शॉर्ट्स के वीडियो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप खुद देख लो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मोनेटाइजेशन इनेबल हो रखा है, ये देख सकते हैं मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मोनेटाइजेशन आप कैसे इनेबल कर सकते हो वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सबसे पहले एक वीडियो है, इसको अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया, इसके ऊपर मैं जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर देखिए पेंसिल का आइकॉन है जिसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए अनलिस्ट किया हुआ है, इसको पब्लिश करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे पब्लिश करेंगे, लेकिन यहाँ से आप मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपका जो YT स्टूडियो है इसको हम सेव कर देते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं, आपका स्टूडियो पे एक ऊपर में हालांकि आपने कर लिया होगा एक्टिव का एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको एक्टिव इसको कर लेना है। जब भी आप एक्टिव कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जितना भी शॉर्ट्स वीडियो होगा वो सारा शॉर्ट्स वीडियो में ऑटोमेटिकली मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल ऑटोमेटिकली हो चुका है तो इस तरीके से आप भी मोनेटाइजेशन को इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आदर्श अगर हम बात करें कि एक एक वीडियो का हम मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हैं या फिर नहीं, तो बता दूं एक एक वीडियो में आप मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिखाया है पेंसिल के बटन में क्लिक करके कोई भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हालांकि कुछ ही दिन पहले एक्सेप्ट का बटन दिया गया था, एक्सेप्ट का एक ऑप्शन दिया गया था तो लोग कर लिया था, आपने अभी तक नहीं किए हैं तो आपका ऊपर में YT जब भी खोलोगे या फिर YouTube एप्लीकेशन क्रोम ब्राउजर में जब भी खोलोगे तो ऊपर एक बैनर शो होगा, वहां पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा जहां पर आपको एक्सेप्ट करना होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। आप जब भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे जब उसमें व्यूज आएगा तो उस व्यू का आपको पैसा मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।